हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान में अध्याय चार जो भूगोल पढ़ाया जा रहा है उसमें अध्याय चार कृषि के बारे में पढ़ेंगे। जो अध्याय चार है उसमें हमें कृषि के बारे में पढ़ना है। तो कृषि है, चैप्टर का क्या नाम है? कृषि। तो कृषि किसे कहते हैं? कृषि की एक परिभाषा क्या होती है? आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे 9th या 8th में कृषि के बारे में। तो कृषि क्या होता है, इसकी एक संक्षिप्त परिभाषा है कि भूमि को जोतने बोने की कला और उस पर फसल उगाने के विज्ञान को ही कृषि कहा जाता है। कृषि किसे कहते हैं? भूमि को जोतने बोने की कला और उस पर फसल उगाने के विज्ञान को कृषि कहा जाता है। देखिए, कृषि जो है, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो भारत विशाल देश है, संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है, और ऊपर से यहाँ की जो जनसंख्या है, यहाँ की जनसंख्या का 2/3 जो, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 70 से 75%, 2/3, 2/3 हिस्सा क्या करता है, वो कृषि पर निर्भर है, यानी कि कृषि की जाती है। 2/3, 2/3 हिस्सा भारत की जनसंख्या का 2/3 हिस्सा क्या करता है, कृषि कार्य में लगा हुआ, कृषि कार्य में संलग्न है। अब कृषि एक प्रारंभिक क्रिया है जो क्या करती है, जो अधिकतम खाद्यान्न उत्पन्न करती है। कृषि क्या करती है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जनसंख्या कृषि पे निर्भर है और यह एक प्राथमिक क्रिया है और अधिकतम खाद्यान्न उत्पन्न करती है। देखिए, अब भारत में जो है कृषि में बहुत सारी किस्म की फसलें उगाई जाती है, जैसे कि रेशे वाली फसलें होती हैं, फिर खाद्यान्न की फसलें होती हैं, फिर तिलहन की फसलें, दलहन की फसलें, ये सभी फसलें भारत में उगाई जाती हैं। और ये इसके साथ साथ क्या होता है कि भारत में जो खाद्यान्न की फसलें उगाई जाने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे फसलें उगाई जाती हैं जो उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है, यानी कि उद्योगों को क्या देता है, आधार प्रदान करता है। बहुत सारे ऐसी फसलें हैं जो जिससे उद्योग चलते हैं, यानी कि वो उद्योगों को कच्चा माल के रूप में उसे प्रदान करता है। इसके अलावा कृषि के द्वारा बहुत सारी ऐसी फसलें उगाई जाती हैं, बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनका क्या किया जाता है, जिनका निर्यात किया जाता है। जैसे कि चाय हो गया, काफी हो गया, या इसके अलावा मसाले के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ब्रिटिश जो लोग थे, विदेशी लोग, ब्रिटेन के लोग, भारत में मसालों के रूप में व्यापार करने के उद्देश्य से ही आए थे। तो ये सब क्या किया था, इन सभी उत्पादों का निर्यात किया जाता है। तो कृषि जो है वो भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर जो जनसंख्या वो कृषि पर ही निर्भर करता है, और ये खाद्यान्न के साथ साथ उद्योगों को कच्चा माल भी प्रदान करती है। तो इसलिए कृषि क्या है, देश के लिए महत्वपूर्ण है, और देश के विकास में, देश की अर्थव्यवस्था में क्या करती है, काफी ज्यादा मदद करती है। तो ये था कृषि। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रकारों के बारे में, यानी कि कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार, देखिए भारत में कृषि के बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार की कृषि भारत में की जाती है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए कृषि हमारे देश की प्रारंभिक आर्थिक क्रिया है। ये क्या है, कृषि जो है हमारे देश की प्रारंभिक आर्थिक क्रिया है। देखिए पिछले हजारों साल से क्या हो रहा है, पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण या प्रौद्योगिकी, सामाजिक और सांस्कृतिक रिवाजों के अनुसार क्या हुआ है, खेती करने की विधियों में परिवर्तन होता रहा है। यानी कि हमेशा हजारों साल से क्या होता रहा है कि खेती करने की जो विधियां हैं वो टाइम टाइम से बदलती रही हैं। अब भारत में जो खेती होती है, जीवन निर्वाह से लेकर वाणिज्य खेती के प्रकार पाए जाते हैं, यानी कि भारत में जो खेती के बहुत सारे प्रकार होते हैं जिनमें जीवन निर्वाह से लेकर वाणिज्य तक की खेती होती है, यानी कि खेती के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें पहला जो है जीवन निर्वाह कृषि, जिसे प्रारंभिक कृषि या जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है। जो पहला कृषि है इसे प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि जीवन निर्वाह या जीविका निर्वाह, तो हम जीविका भी लिख सकते हैं। प्रारंभिक
प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। देखिए प्रारंभिक जो जीवन है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि जो होती है वो कैसे की जाती है, इसका मतलब क्या होता है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह खेती आखिर में होती क्या है। तो ये जो खेती होती है वो भूमि के एक छोटे से टुकड़े पे की जाती है, यह भूमि के एक छोटे से टुकड़े पे जो प्राचीन कृषि औजार थे जिनमें क्या था, लकड़ी का हल। ये जो कृषि की जाती है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, यह भारत के कई भागों में की जाती है। ये जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह खेती है भारत के कई भागों में की जाती है, और आखिर में ये खेती होती क्या है, तो ये जो खेती की जाती है भूमि के एक छोटे से टुकड़े पे प्राचीन जो प्राचीन क्या कहते हैं यंत्र होते हैं, यानी कि प्राचीन कृषि के जो यंत्र हैं, प्राचीन जो कृषि के यंत्र हैं, कृषि के औजार हैं, जैसे लकड़ी के हल है, डाव है, इसके अलावा लकड़ी के हल डाव के अलावा खुदाई करने वाली जो छड़ी होती है, खुदाई करने वाली छड़ी, हल डाव खुदाई करने वाली छड़ी, और इसके साथ साथ क्या किया था, परिवार और समुदायों के श्रम की मदद से ये कृषि की जाती है, जो प्रारंभिक कृषि की जाती है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, वो भूमि के छोटे हिस्से पे जो प्राचीन औजार थे, कृषि के औजार थे, हल डाव और खुदाई करने वाली छड़ी, उसकी मदद से परिवार और समुदाय की श्रम की मदद से ये कृषि की जाती है। कौन सी कृषि, जीविका निर्वाह कृषि। देखिए जीविका निर्वाह जो कृषि होती है वो तो ये हो गया कि हल, लकड़ी के हल डाव और छड़ी की मदद से, खुदाई करने वाली छड़ी की मदद से ये छोटे से टुकड़े पे की जाती है। अब जो जीविका निर्वाह कृषि होती है वो निर्भर किससे करती है, जीविका निर्वाह कृषि मानसून प्राकृतिक उर्वरक, यानी कि मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरक, मानसून पर निर्भर करती है, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता और जो पर्यावरणीय दशाएं होती हैं, पर्यावरणीय परिस्थितियां होती हैं, उस पे ये क्या होती है, डिपेंड होती है, उस पे ये आधारित होती है। कौन सी कृषि, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ये आधारित कृषि होती है मानसून पे, और इसके अलावा मिट्टी की उर्वरकता पे, और इसके साथ जो पर्यावरणीय परिस्थितियां होती हैं उस पे ये निर्भर होती है, जिसे क्या कहता है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। अब देखिए ये जो होता है कर्तन दहन प्रणाली कृषि है, इसे क्या कहता है, एक और इसका नाम है कर्तन दहन प्रणाली, जिसे इंग्लिश में क्या कहता है, स्लैश एंड बर्न, इसे कर्तन दहन प्रणाली या स्लैश एंड बर्न मेथड के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें यह होता है कि जो कृषक होते हैं उत्पादन के लिए, यानी कि फसल का उत्पादन करने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए क्या करते हैं, एक क्षेत्र के जमीन को, एक जमीन के टुकड़े को साफ करते हैं, उसको जला के उसपे खेती करते हैं, और उससे भी अपने घर के परिवार का पालन पोषण करते हैं। जब कुछ समय बाद वहां की उस मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है तो वे क्या करते हैं, उस मिट्टी की उर्वरकता कम होने पे वे वहां से स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी कि वहां से चले जाते हैं, कुछ दूर स्थान पे चले जाते हैं, और क्योंकि वे स्थानांतरित हो जाते हैं और उसके बाद वे दूसरे स्थान पे उसी प्रकार से भूमि को साफ करके खेती करते हैं। इस प्रकार की खेती को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, कि एक स्थान से कुछ दिनों तक खेती किया, जब वहां का मिट्टी की उर्वरकता थोड़ी सी कम हो गई तो वहां से वे हट के दूसरे स्थान को साफ करके वहां पे खेती करने लगते हैं, इसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। अब इस स्थानांतरित कृषि से लाभ क्या होता है, स्थानांतरित कृषि से प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण मिट्टी की पुनः जो छोड़ा गया जो भाग था वो पुनः क्या हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण वो जो छोड़ा हुआ भाग था जिसपे कृषि किया गया, कुछ समय बाद उसको छोड़ दिया गया, वो पुनः मिट्टी की उसमें उर्वरकता पुनः वापस आ जाती है। अब देखिए क्योंकि ये लोग इस प्रकार की खेती में रासायनिक दवाएं उर्वरकों का उपयोग नहीं होता है, इसमें रासायनिक दवाओं का उपयोग या रासायनिक दवाओं या कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसकी जो उत्पादन क्षमता होती है वो अन्य कृषि की तुलना में कम होती है। इसकी प्रारंभिक जीविका कृषि या स्थानांतरित कृषि का उत्पादन, क्योंकि इसमें रासायनिक दवाओं कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, तो वो अन्य कृषि की तुलना में इसका जो उत्पादन क्षमता होता है वो कम होता है। इसे इन्हीं क्षेत्रों में देखिए इसके बहुत सारे नाम है, एक तो इसका कर्तन दहन प्रणाली नाम है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, और
इसके अन्य बहुत सारे नाम है, जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जिनमें, देखिए इसके अन्य नाम है जिनमें, जो उत्तर पूर्वी राज्य है मिजोरम, मिजोरम उसके बाद नागालैंड, असम और इन इन स्थानों की, क्या कौन सी खेती कहा जाता है इसे, झूम खेती कहा जाता है। मेघालय, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, असम और नागालैंड में इसे क्या कहता है, इसे झूम खेती कहा जाता है। इसके अलावा जो उत्तर पूर्वी के ये राज्य थे जिसे झूम खेती कहा जाता है, मणिपुर में इसे मापलू नाम दिया गया है, कौन सा नाम, पामलू। मणिपुर में इसे क्या कहा जाता है, पामलू। मणिपुर में इसका नाम क्या दिया गया है, पामलू नाम दिया गया है। इसके अलावा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसमें इस खेती को क्या कहा जाता है, वहां भी इस खेती को दीपा नाम दिया गया है, कौन सा नाम, दीपा। यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में इसे झूम खेती कहा जाता है, मणिपुर में इसका नाम क्या है, मापलू नाम, सॉरी पामलू नाम दिया गया है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में इसे क्या कहा जाता है, दीपा नाम दिया गया। किस खेती को, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को, जिसका उपयोग कैसे किया जाता है, जिसको कैसे कृषि की जाती है, छोटे से टुकड़े पे प्राचीन जो कृषि के औजार हैं, लकड़ी के हल, खुदाई करने वाली छड़ी, इस तरह से इसकी खेती की जाती है, परिवार और समुदायों की मदद से इसकी खेती की जाती है, जिसके अलग अलग नाम है। संसार के अधिकांश देशों में भी इसके अलग अलग नाम है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे इसके अन्य देशों में इसे कौन कौन से नाम दिए गए हैं। मध्य जो अमेरिका है और मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला जो है वहां पे कोनुको कहा जाता है। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है, वेनेजुएला में इसे कोनुको कहा जाता है, ब्राजील में इसे क्या कहा जाता है, रोको कहा जाता है। झूम खेती को, प्रारंभिक जीविका निर्वाह खेती को ब्राजील में क्या कहता है, रोका कहा जाता है। मध्य अफ्रीका में इसे क्या कहा जाता है, मध्य अफ्रीका में इसे मसोले कहा जाता है, मध्य अफ्रीका में इसे मसोले कहा जाता है। इंडोनेशिया में इसे क्या कहा जाता है, इस प्रकार की खेती को इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है, इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। और वियतनाम में इसे क्या कहा जाता है, वियतनाम में इसका अलग नाम है रे। तो ये जीविका निर्वाह खेती के अलग अलग नाम है, मध्य अमेरिका, मैक्सिको में मिल्पा, यहाँ पे इसे वेनेजुएला में किनोको कहा जाता है, और ब्राजील में इसे रोका कहा जाता है, मसोले कहा जाता है इसे मध्य अफ्रीका में, और लदांग कहा जाता है इसे इंडोनेशिया में, और वियतनाम में इसे क्या कहा जाता है, रे के नाम से जाना जाता। तो ये क्या था, ये था प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। अब अगला कृषि किसके बारे में है, अब अगला गहन जीविका कृषि, दूसरा जो कृषि के बारे में पढ़ना है, गहन जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका निर्वाह कृषि। देखिए इस प्रकार की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी कि जो गहन जीविका निर्वाह खेती है, गहन जीविका निर्वाह खेती उन क्षेत्रों में, देश के उन हिस्सों में की जाती है जहां पे जनसंख्या का दबाव क्या होता है, भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी कि उस हिसाब से जनसंख्या के तुलना में भूमि क्या हो, कम हो, जनसंख्या के हिसाब से जहां पे भूमि कम होती है तो वहां पे क्या किया जाता है, गहन जीविका निर्वाह कृषि की जाती है। यहाँ पे क्या होता है, उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए, रासायनिक निवेशों, का मतलब कीटनाशक दवाओं और रासायनिक खादों या अन्य दवाओं का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ सिंचाई की जाती है, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था की जाती है। यानी कि गहन जीविका निर्वाह कृषि में क्या किया जाता है, अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक उत्पादों का प्रयोग किया जाता है, उसके साथ साथ भारी मात्रा में, मतलब कि टाइम टाइम से कृषि का भी प्रयोग किया जाता है। अब देखिए
बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या होता है, बढ़ती जनसंख्या के कारण जूतों का आकार जो है वो छोटा हो रहा है और अलाभप्रद हो रहा है। जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही है जिसके कारण क्या हो रहा है, जूतों का आकार जो छोटा हो रहा है अलाभप्रद हो रहा है। अब जो किसान है वो वैकल्पिक रोजगार न होने कारण, किसानों के पास जिन किसानों के पास वैकल्पिक रोजगार नहीं होता है वो किसान क्या करते हैं, वो किसान सीमित भूमि पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना चाहते हैं, जिसके लिए वे रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं। यानी कि जिनके पास रोजगार नहीं है, अलग प्रकार का रोजगार नहीं है, अलग है वैकल्पिक रोजगार नहीं है, जो स्वयं कृषि पे सिर्फ कृषि पे ही निर्भर है, तो जिनके पास सीमित भूमि है उस सीमित भूमि पे वे क्या करते हैं, अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए इस प्रकार की कृषि करते हैं। और इसके कारण क्या होता है, इस प्रकार की कृषि करने से भूमि पर जो दबाव है वो बढ़ता है, यानी कि कृषि पे दबाव इस प्रकार से कृषि करने के भूमि पे दबाव बढ़ता है। इस प्रकार की खेती को क्या कहता है, गहन जीविका कृषि कहता है। मतलब ये कि अधिक उत्पादन के लिए, अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक दवाओं और रासायनिक उत्पादों, इसमें दवाएं आती हैं, खादें आती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है और सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। इसमें भूमि कम होता है, जनसंख्या ज्यादा है। इसका मुख्य कारण क्या है कि गहन जीविका निर्वाह खेती वहां पर की जाएगी जहाँ पे भूमि कम हो और उसके हिसाब से जनसंख्या ज्यादा हो। जनसंख्या बढ़ने से भूमि तो कम हो जाएगी, भूमि का आकार जो होगा वो कम हो जाएगा, तो उस प्रकार उस स्थान पे इस प्रकार की खेती की जाती है। अब अग्नि जो कृषि है वो कौन सी कृषि है, अग्नि कृषि के बारे में हमें पढ़ना है, वाणिज्यिक कृषि। तीसरा है वाणिज्यिक वाणिज्यिक कृषि का मतलब यह है कि व्यापार करने वाले ऐसा फसल ऐसे प्रकार की खेती करना जिसका उद्देश्य क्या हो, व्यापार करने के उद्देश्य जो खेती की जाती है वो वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। ये देखिए ये कृषि भी देश के बहुत सारे भागों में की जाती है। अब इस कृषि का उद्देश्य भी वही होता है, वाणिज्यिक कृषि का भी उद्देश्य क्या होता है, अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए, अधिक पैदावार पाने के लिए अधिक पैदावार देने वाले बीजों का उपयोग, रासायनिक दवाओं का उपयोग और कीटनाशकों का उपयोग, सिंचाई के माध्यम द्वारा इसका उत्पादन बढ़ाना होता है। यानी कि वाणिज्यिक कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य यही होता है कि अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए अधिक पैदा देने वाले बीजों का उपयोग किया जाता है, रासायनिक दवाओं का उपयोग किया जाता है और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। देखिए अब जो इससे क्या होता है, उच्च इसका जो मुख्य आकार होता है क्या है कि अधिक पैदावार बढ़ाना। अब जो वाणिज्यिक कृषि है विभिन्न प्रदेशों में कृषि का जो वाणिज्यीकरण है वो अलग अलग है, यानी कि जो वाणिज्यिक कृषि की जाती है विभिन्न क्षेत्र में भारत के विभिन्न राज्यों में इसका जो उद्देश्य होता है वाणिज्यिक कृषि का वो अलग अलग होता है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जो पंजाब और हरियाणा है, उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा के राज्य है, पंजाब हरियाणा इन राज्यों में जो वाणिज्यिक इन राज्यों में जो चावल उगाया जाता है वो किस उद्देश्य से उगाया जाता है, वाणिज्य कृषि के रूप में, यानी कि वाणिज्य के लिए चावल का उपयोग किया, चावल को उगाया जाता है। जबकि जो दूसरा राज्य है उड़ीसा जो है यहाँ पे चावल की खेती वाणिज्य के लिए नहीं बल्कि किसके लिए की जाती है, जीविका के लिए की जाती है। यहाँ पे उड़ीसा में जो चावल की खेती की जाती है वह जीविका के लिए की जाती है, जबकि पंजाब और हरियाणा में जो कृषि की जाती है चावल की, चावल को बोया जाता है वो जीविका के लिए नहीं, इसके लिए वाणिज्य के लिए बोया जाता है। यानी कि ज्यादातर वाणिज्य मतलब मैंने क्या कहा कि वाणिज्य का मतलब कि ये मतलब कि इसको तुरंत व्यापार से संबंधित होता है, वाणिज्य का मतलब व्यापार से संबंधित फसलें बोई जाती ताकि उसको तुरंत बेचा जा सके। जैसे कि ये सब खाद्यान्न की फसलें भी हैं, जो चावल और खाद्यान्न की फसलें खाने के लिए बोया जाता है, लेकिन अन्य जैसे कि पंजाब हरियाणा में जो मुख्य फसल है वो गेहूं है, इसके अलावा चावल का भी, चावल को भी बोया जाता है, तो वहाँ पे जो चावल बोया जाता है वाणिज्य के लिए बोया जाता है। अब इसके अलावा रोपड़ भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। जो रोपड़ है वाणिज्य कृषि में एक प्रकार की जो खेती होती है रोपड़, वो भी क्या है, एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। अब इसमें क्या होता है, रोपड़ में इसके ये जो लंबाई चौड़ाई के क्षेत्रों में
एकल फसल बोई जाती है। रोपण की कृषि में क्या किया जाता है, एक लंबे क्षेत्र में एक फसल बोई जाती है और वो एक जो फसल होती है व्यापक क्षेत्र में पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। जो रोपण कृषि होती है वो व्यापक क्षेत्र में लंबे चौड़े क्षेत्र में की जाती है, एक ही फसल बोई जाती है और वो अधिक मात्रा में उसमें पूंजी की आवश्यकता होती है और श्रम की आवश्यकता होती है। कौन सी फसल है, रोपण कृषि जिसे कहते हैं रोपण कृषि। रोपण जो कृषि होती है वो भी क्या होती है, वार्षिक कृषि होती है जिसमें एक लंबे चौड़े क्षेत्र में विशाल क्षेत्र में विस्तृत क्षेत्र में खेती की जाती है और इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं रोपण फसल कहा जाता है। देखिए अब इसमें क्या होता है, रोपण फसल में जो सारा उत्पादन होता है, रोपण फसल में जो सारा उत्पादन होता है वो कच्चे माल के लिए किया जाता है। इसलिए इसमें जो खाद्यान्न या फसल का जो उत्पादन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, इसका कच्चे माल के लिए इसका उत्पादन किया जाता है। जैसे कि चाय हो गया, फिर जूट हो गया, कॉफी हो गया, रबड़ हो गया, केला हो गया, ये सब क्या है, ये सब रोपण कृषि में आते हैं। देखिए अब उत्तर असम हो गया, उत्तरी असम और उत्तरी बंगाल में ये चाय बोया जाता है। काफी कहाँ बोया जाता है, काफी कर्नाटक में काफी बोया जाता है। इस तरह से ये जो फसलें हैं वो रोपण जो फसलें हैं वाणिज्यिक फसल में भी आती है। अब क्योंकि ये इनका उत्पादन इसको बेचने के उद्देश्य से कच्चे माल के रूप में इसका उत्पादन किया जाता है तो इसपे जो संचार है यातायात के साधन है बाजार, वे उन पर ये निर्भर होते हैं। ये जो रोपण कृषि होती है वो बाजार पे संचार के साधन पे और यातायात के साधन पर निर्भर रहती है। तो इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है, वाणिज्यिक कृषि। जो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि में भी आता है। अब अगला पॉइंट हमें पढ़ना है, सस्य प्रारूप। वाणिज्यिक कृषि के बारे में आपको समझ में आया होगा, उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए क्या किया जाता है, अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए उच्च किस्म के बीजों का, अधिक पैदावार देने वाले बीजों का, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है ताकि अधिक मात्रा में उत्पादन हो सके। उसमें रोपण कृषि में रोपण जो कृषि है वो भी इसमें ही आता है, वाणिज्यिक कृषि में ही आता है क्योंकि इसमें बड़े क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है और इसका उत्पादन कच्चे माल के रूप में कच्चे माल के लिए ही किया जाता है, जैसे जूट हो गया, चाय हो गया, कपास हो गया, ये सब। अब अगला पॉइंट है सस्य उत्पादन। देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने भारत की भौतिक विविधताओं एवं सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में अध्ययन किया है। हमने देश की भौतिक विविधताओं और सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में अध्ययन किया है कि ये देश की कृषि पद्धतियां सस्य प्रारूपों से प्रतिबंधित होते हैं। जैसे कि भारत में जो है विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती है, ऐसा नहीं है कि हर ऋतु में हर प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। जैसे फसलों के आधार पर भारत में तीन प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, कौन कौन से, या कहना ऋतुओं के आधार पे फसलों के आधार पे तीन प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, जिनमें एक होता है रबी की फसल, दूसरा होता है खरीफ, तीसरा होता है जायद। अब देखिए अब रबी की जो फसल है, रबी की फसल कब बोई जाती है, रबी की फसल अक्टूबर से स्टार्ट होता है और मीड दिसंबर तक, अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक रबी की फसल, शीत ऋतु में अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक रबी की फसल बोई जाती है और अप्रैल से जून के बीच क्या किया जाता है, इसे काट लिया जाता है रबी की फसल को। अब रबी की जो फसल में जो फसलें आती हैं रबी में, अब उसमें गेहूं, रबी में कौन कौन सी फसलें आती हैं, गेहूं आता है, जौ आता है, चना, मटर, सरसों, ये सब क्या है रबी की मुख्य फसलें हैं। अब रबी की फसल जो है वो मुख्य रूप से कहाँ बोया जाता है, उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों में, यानी कि उत्तरी राज्यों और उत्तरी पश्चिमी राज्यों में मुख्य रूप से रबी की फसल बोई जाती है, जिसमें हम कह सकते हैं पंजाब हो गया,
हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में रबी की फसल बोई जाती है। अब देखिए शीत ऋतु में क्योंकि ये फसलें बोई जाती है और शीत ऋतु में ही क्या होता है कि पश्चिमी विक्षोभ, शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ जो आता है जिसके कारण वर्षा होती है, उस वर्षा के कारण रबी की फसल की पैदावार बढ़ जाती है। पश्चिमी शीत ऋतु में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिम से भूमध्य सागर से जो हवाएं आती हैं उससे जो वर्षा होती है उसके कारण क्या होता है रबी की फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। तो ये है रबी की फसल। अब है अगला खरीफ की फसल। खरीफ की जो फसल है वो कब बोई जाती है, वो उसका जो बुआई होता है वो मानसून के शुरू होने से ही क्या होता है, मानसून के समय ही खरीफ की फसल बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर तक क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। अब खरीफ की फसलों में जो फसलें आती हैं उनमें मुख्य रूप से चावल हो गया, उसके बाद मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, फिर मूंगफली हो गया, फिर उड़द हो गया, फिर मूंग हो गया, कपास हो गया। और तो ये सब जो फसलें होती हैं वे खरीफ की फसल में आती हैं। खरीफ की फसल के लिए अधिक वर्षा और तापमान की आवश्यकता होती है, तो क्योंकि ये मानसून का समय होता है तो अधिक वर्षा इसे अधिक पानी मिल जाती है। तो खरीफ की फसलें वो बोई कहाँ जाती हैं, खरीफ की फसलें मुख्य रूप से असम में, फिर पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, उसके बाद महाराष्ट्र का जो कोंकण तट है वहाँ पर, अब इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। तो इन राज्यों में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। तो ये होती है खरीफ की फसल। अब क्या है जायद की फसल। देखिए गर्मी में नहीं, रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच, रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच का जो समय होता है गर्मी का समय, उसमें बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है जायद की फसल। यानी कि जो जायद की फसल होती है वो रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच में ही बोई जाती है। रबी की फसल ठंडी के समय यानी कि दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोई जाती है, आइए जून जुलाई से, उसके बीच जायद की फसल बोई जाती है। अब जो जायद की फसल होती है उसमें मुख्य रूप से क्या बोया जाता है, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, इसके अलावा सब्जियां हो गया और चारे की फसल, वो सभी फसलें किसमें बोई जाती हैं, जायद की फसल में बोई जाती हैं। तो ये था फसलों के उसके प्रकार की कौन सी फसल कब और किन क्षेत्रों में बोई जाती है। तो मुख्य रूप से तीन प्रकार की फसलें बोई जाती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। अब अगला पॉइंट है मुख्य फसलें। मुख्य फसलें देखिए भारत में मिट्टी में अंतर पाया जाता है। भारत में अगर जाएंगे तो हर स्थान में मिट्टी में अंतर पाया जाएगा। मिट्टी के प्रकार में अंतर पाया जाता है, जलवायु में अंतर पाया जाता है, कृषि की पद्धतियों में अंतर पाया जाता है, वर्षा के वितरण में असमानता होती है। तो इन सभी असमानताओं के कारण, विभिन्नताओं के कारण भारत में तमाम प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। यहाँ पे रेशे वाली फसल बोई जाती है, यहाँ पे खाद्यान्न वाली भी फसल तैयार होती है, यहाँ पे फल भी तैयार होते हैं, फूल फल फूल या मसाले, तिलहन दलहन, यानी कि हर प्रकार की मुख्य फसलें भारत में बोई जाती हैं। अब जो भारत की मुख्य फसलें उनमें क्या कौन सी फसलें हैं, चावल हो गया, गेहूं हो गया, दाल हो गया, मूंगफली, कपास, तिलहन की फसलें जो होती हैं, बहुत सारी तिलहन की फसलें होती हैं वो, फिर चाय, कॉफी, जूट। तो ये सभी प्रकार की जो फसलें हैं वो भारत की मुख्य फसलें हैं। तो अब इन सभी फसलों में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम चावल की फसल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो चावल की फसल है
चावल की फसल भारत की एक खाद्यान्न फसल है, यानी कि इसको खाने के लिए लोग ज्यादातर लोग क्या करते हैं, चावल की फसल को खाने के लिए बोया जाता है। अब ये चावल की जो फसल है वो खरीफ की फसल है, यानी कि खरीफ की फसल कब बोया जाता है, मानसून का जब शुरुआत होती है तब खरीफ की फसल बोया जाता है, चावल भी खरीफ की फसल में ही आती है। अब जो भारत में चावल बोया जाता है वो संसार में चीन के बाद चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, सेकेंड, यानी कि संसार में चावल उत्पादन करने के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, सेकेंड स्थान है। अब जो चावल का उत्पादन होता है उसके लिए अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है, अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, यानी कि कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस से तापमान ऊपर होना चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, और इसके लिए क्योंकि काफी आर्द्रता की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, तो कम से कम इसके लिए पूरे सीजन में 100 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। विभिन्न भागों में भारत के विभिन्न भागों में नहरों से सिंचाई भी की जाती है, यानी कि जिन क्षेत्रों में, अब क्योंकि भारत के लगभग काफी क्षेत्रों में नहरों का फैला हो चुका है, तो उन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, उन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नहर का उपयोग भी किया जाता है। देखिए अब जो खेती है, चावल की खेती की जाती है वो मुख्य रूप से उत्तरी मैदानों, उत्तर पूर्वी मैदानों में, उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों में, इसके अलावा डेल्टाई क्षेत्रों में और तटीय क्षेत्रों में, समुद्र के जो पास का तटीय क्षेत्र है वहां पर डेल्टाई मैदानों में और इसके साथ साथ उत्तरी और पूर्वी मैदानों में भी इसकी खेती की जाती है। देखिए अब किन्हीं क्षेत्रों में जहाँ पे पानी की कमी पाई जाती है, यानी जहाँ पे वर्षा कम होती है, जिनमें हम ये कहना कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ पे वर्षा कम होती है वहाँ पे भी नलकूपों की सहायता से और नलकूपों के साथ साथ नहरों का जो जाल बिछाया गया है, नहरों की और नलकूपों की सहायता से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब चावल की खेती की जा रही है। हरियाणा और पंजाब में भी अब क्या किया जा रहा है, इन क्षेत्रों में भी काफी मात्रा में चावल की कृषि की जा रही है। तो क्योंकि यहाँ पे वर्षा कम होती है तो नहरों के उपयोग से या नलकूपों के उपयोग से वहाँ पे चावल की खेती की जाती है। अब मैं मैप के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पे चावल की खेती ज्यादा होती है और कहाँ पे कम होती है। देखिए अब जो चावल सबसे अधिक बोया जाता है वो कहाँ पे सबसे अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है, तो चावल का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है असम में, यहाँ पर चावल अधिक बोया जाता है, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उसके बाद आपका है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, यहाँ पे तमिलनाडु में, यहाँ पे केरल में, और यहाँ पे कुछ स्थानों पे, यहाँ पे क्योंकि हल्का थोड़ा सा बोया जाता है तो जो मुंबई का कोंकण तट में थोड़ा सा चावल बोया जाता है, यहाँ पे पंजाब हो गया, हरियाणा में जो चावल बोया जाता है वो मतलब कम मात्रा में होता है, उतना ज्यादा उसका उत्पादन नहीं होता है। जो ज्यादा चावल बोया जाता है वो असम में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, यहाँ पे जो चावल बोया जाता है अधिक मात्रा में बोया जाता है। इन क्षेत्रों में बिहार में जो चावल बोया जाता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा चावल बोया जाता है। तो इन क्षेत्रों में क्या की जाती है, चावल की कृषि की जाती है, यानी कि चावल का उत्पादन इतने क्षेत्रों में किया जाता है जिसमें सबसे अधिक जो चावल बोया जाता है वो असम में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो चावल बोया जाता है साल में कितना बार, एक साल में चावल की 3 फसलें उत्पादन मतलब पैदा की जाती है, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चावल के 3 बार चावल को काटा जाता है। तो इन क्षेत्र में चावल का उत्पादन ज्यादा है। जो तटीय इलाका है, ये बंगाल की खाड़ी का तटीय इलाका है, इसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पे काफी अधिक मात्रा में चावल की खेती की जाती है। ये जो अरब सागर का तटीय इलाका है जिसमें केरल आता है, यहाँ पे भी चावल की अधिक मात्रा में पैदावार होती है। ये जो कोंकण का इलाका है, जो महाराष्ट्र का कोंकण का हिस्सा है, यहाँ पे भी चावल बोया जाता है। अब क्योंकि चावल जो पहले इन क्षेत्रों में चावल नहीं बोया जाता था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्षा कम होने के कारण चावल की पैदावार कम होती है, लेकिन क्योंकि अब सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए हैं और यहाँ तक कि जो हरित क्रांति आई थी जिसके कारण पैदावार बढ़ा था फसलों का, तो उसके कारण सिंचाई का साधन उपलब्ध हो जाने के कारण नलकूपों की या नहरों का
नहरों के माध्यम से क्या है, अब यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में भी कृषि की जा रही है, चावल की खेती की जा रही है, उत्तर प्रदेश में खेती की जाती है और बिहार में, तो इन क्षेत्रों में उत्पादन इस हिसाब से नहीं होता है, लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों में भी चावल ज्यादा मात्रा में मतलब बोई जाती है, इन क्षेत्रों में ज्यादा मात्रा में बोई जाती है और इन क्षेत्रों में पंजाब हरियाणा में सीमित मात्रा में बोई जाती है, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे क्योंकि पानी की उपलब्धता मौजूद हो जाने के कारण क्या हो रहा है, अब पूरे क्षेत्र में क्या किया जा रहा है, चावल बोया जा रहा है। तो आयोग समझेंगे कि कहाँ पे ज्यादा चावल बोया जाता है, चावल का ज्यादा पैदावार और ज्यादा बोया जाता है इन क्षेत्रों में, ये पूर्वोत्तर भारत में मैदानी इलाकों में और तटीय क्षेत्रों में, गहराई क्षेत्रों में क्या किया जाता है, चावल बोया जाता है। तो आई होप ये आपको आज का जो पढ़ाया गया कृषि के बारे में, उसके प्रकारों के बारे में और चावल का जो उत्पादन होता है किन क्षेत्रों में, तो उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम गेहूं से स्टार्ट करेंगे, गेहूं किन क्षेत्रों में और कब कैसे बोया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।